हेलो फ्रेंड्स, राज इतिहास के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बुर्ज खलीफा नाम तो आपने सुना ही होगा। दुबई में स्थित बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची मानव निर्मित बिल्डिंग है। आज हम आपको इससे जुड़े तथ्य के बारे में जानकारी देंगे जो अनसुने होंगे। विश्व के धनी शहरों में से एक दुबई के नाम जो विश्व का सबसे बड़ा खिताब है, वह है दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा दुबई में स्थित 829.8 मीटर ऊंचाई वाली दुनिया की सबसे ऊंची गगनचुंबी इमारत है। इसके साथ साथ सबसे ऊंची फ्रीस्टैंडिंग इमारत, सबसे तेज और लंबे लिफ्ट, सबसे ऊंची मस्जिद, सबसे ऊंची स्विमिंग पूल, दूसरे सबसे ऊंचे अवलोकन डेक और सबसे ऊंचे रेस्टोरेंट का खिताब भी बुर्ज खलीफा के नाम है। 163 तलों वाली यह इमारत दुनिया के सबसे ज्यादा तलों वाली इमारत भी है। बुर्ज खलीफा के निर्माण में 6 साल का समय लगा और $8 अरब की राशि खर्च हुई। इसका निर्माण 21 सितंबर 2004 में शुरू हुआ था और इसका आधिकारिक उद्घाटन 4 जनवरी 2010 को हुआ था। इमारत का निर्माण में 1,10,000 टन से ज्यादा कंक्रीट, 55,000 टन से ज्यादा स्टील रबर लगा था। बुर्ज खलीफा को देखते ही आभास होता है कि यह इमारत शीशे और स्टील से बनी होगी। इमारत का बाह्य आवरण 26,000 ग्लास पैनलों से बनी है। शीशे के आवरण के लिए चीन से खास तौर पर 300 आवरण विशेषज्ञों को बुलाया गया था। इमारत के निर्माण में लगभग 12,000 मजदूरों ने प्रतिदिन काम किया था। ऊंचाई के कारण इमारत के टॉप फ्लोर पर तापमान ग्राउंड फ्लोर की अपेक्षा में 15 डिग्री सेल्सियस कम रहता है। यह बात भी दिलचस्प है कि निर्माण के समय इस इमारत का नाम बुर्ज दुबई था, लेकिन इमारत के निर्माण में वित्तीय सहायता देने वाले संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नायान के सम्मान में उद्घाटन के समय इसका नाम बुर्ज खलीफा कर दिया गया। इस इमारत की हाइट 828 मीटर है, जो आईफेल टावर की तुलना से करीब 3 गुना अधिक है। इस इमारत में 58 लिफ्ट है, 2,957 पार्किंग स्पेस, 304 होटल, 47 ऑफिस फ्लोर और 900 अपार्टमेंट्स हैं। बुर्ज खलीफा के बनने के समय करीबन 12,000 मजदूर दिन रात काम करते थे, जो अलग अलग देशों और अलग अलग जगहों से आए थे। ये लोग इतनी ऊंची इमारत पर बिना घबराए काम कर रहे थे। यह इमारत विवादों के घेरे में भी है। मानव अधिकारी संगठनों ने आरोप लगाया था कि इस इमारत के निर्माण में अधिकतर मजदूर दक्षिण एशिया के थे और उन्हें मात्र $5 दिहाड़ी मजदूरी दी गई थी। इसके अलावा इसे ठंडा करने के लिए एसी में खर्च होने वाली बिजली पर भी सवाल उठाए गए थे। इस इमारत को बनाने में 1,00,000 हाथियों के बराबर कंक्रीट और 5 A380 हवाई जहाज के बराबर एल्यूमिनियम का प्रयोग किया गया था। बुर्ज खलीफा में एक समय में लगभग 35,000 लोगों के रहने की व्यवस्था होती है। बुर्ज खलीफा इतनी ऊंची है कि आप इसे 95 किलोमीटर दूर से भी देख सकते हैं। यहाँ तक कि इसकी चोटी से पड़ोसी देश ईरान को भी देखा जा सकता है। इस इमारत में जमीन से लगभग 210 मीटर की ऊंचाई पर 25 मीटर की चौड़ाई का हेलीपैड भी बनाया गया है, जिस पर हेलीकॉप्टर उतारे जाते हैं। हर दिन इस विशाल इमारत में लगभग 9,46,000 लीटर पानी को 100 किलोमीटर पाइप की सहायता से पहुँचाया जाता है। बुर्ज खलीफा की 76वीं मंजिल पर सबसे ऊंचा स्विमिंग पूल है और 122वीं मंजिल पर रेस्टोरेंट है। बुर्ज खलीफा के नाम 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जिसमें सबसे ऊंची इमारत, सबसे ज्यादा मंजिल और सबसे ऊंची लिफ्ट आदि शामिल है। ये इमारत इतनी ऊंची है कि इसके 80 मंजिल के ऊपर रहने वालों को रमजान के दिनों में ज्यादा देर भूखा रहना पड़ता है, क्योंकि ऊपर सूरज ज्यादा देर तक दिखता है। इसमें लगे एसी से एक वर्ष में जितना पानी निकलता है उससे ओलंपिक के 5 स्विमिंग पूल भर जा सकते हैं। बुर्ज खलीफा के चारों ओर एक कृत्रिम झील बना हुआ है, जो इसकी खूबसूरती को 4 चांद लगा देता है। दुबई में बहुत तेज हवाएं चलती है, जो ऊंची इमारतों को नुकसान पहुंचा सकती है, तो इस इमारत में सुरक्षा के बहुत अच्छे प्रतिबंध किए गए हैं, जैसे हवा के दबाव को झेलने के लिए संयंत्र, जब हवा का दबाव बढ़ जाए इसके लिए अलार्म सिस्टम। बुर्ज खलीफा के मालिक इमारत ने इसका प्रस्ताव 2003 में रखा था, जिसका काम साल 2004 में शुरू हुआ और ये 2010 में बनकर तैयार हुआ। इस इमारत की डिजाइन एंड्रिन स्मिथ ने हाई मेनोक्लाइस रेगिस्तान के फूल या स्पाइडर लिली के आधार पर बनाया है। इसका निर्माण 1325 दिन में पूरा हो गया था, जिसका मतलब है एक फ्लोर को 3 दिन में बनाया गया था। इमारत का निर्माण कार्य 1 अक्टूबर 2009 को संपन्न हो गया था, लेकिन इसका उद्घाटन 4 जनवरी 2010 को महामहिम मोहम्मद बिन रशीद अल मक्तूम हाथों से हुआ था, क्योंकि 4 जनवरी 2006 को महामहिम शासक के रूप में चुने गए थे, इसलिए इनकी चौथी वर्षगांठ मनाने के लिए
इसका उद्घाटन इस दिन हुआ था। इसके निर्माण में 45 प्रकार के पत्थरों का उपयोग किया गया था। बुर्ज खलीफा की खिड़कियों को साफ करने में 120 दिन लगते हैं। इसका जो छोटा मॉडल था वह भी इतना सुंदर और सटीक था कि एक अंधे पेंटर ने अपनी उंगलियों से अनुभव कर इसका परफेक्ट स्केच बना लिया था। इसमें 3000 पार्किंग बे बनी हुई है। हवाई यात्रा दुर्घटना से बचने के लिए बाहरी आवरण पर अधिक तीव्रता वाली सफेद लाइट को लगाया गया है। हर तीसरे तल के बाद इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन, वाटर टैंक, पाइप और एयर हैंडलिंग यूनिट है। 153 तल पर कारपोरेट एंड प्राइवेट इवेंट के लिए प्राइवेट टेरेस है। बुर्ज खलीफा के नोक और जमीनी स्तर के तापमान में 6 डिग्री का अंतर होता है। कोहरे से ढकी हुई सुबह बुर्ज खलीफा से देखने पर ऐसा लगता है मानो बादलों के ऊपर खड़े हो। विश्व के सबसे ऊंचाई पर स्थित नाइट क्लब 144 तल पर है। विश्व की सबसे ज्यादा फोटो चित्री फोटोग्राफ इमारत। टावर का पैटर्न एक एकल बुनियादी ज्यामिति आकृति की पुनरावृत्ति पर बनाया गया है जो इस्लामी कला और वास्तुकला को प्रदर्शित करता है। इस इमारत के कॉमन एरिया को 18 तरह की खुशबुओं से महकाया गया है। दुबई फाउंटेन एक दिन में और 13 शानदार संगीत में प्रदर्शन करता है। हर साल बुर्ज खलीफा न्यू ईयर इवेंट में न्यू ईयर ईव गाला होस्ट करता है जिसमें 10 लाख लोग शिरकत करते हैं। बुर्ज खलीफा का निर्माण सबसे पहले MY प्रॉपर्टीज ने 90 मंजिला टावर के लिए किया था। ये दुबई के महामहिम शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने इसे बुर्ज दुबई बनाने के लिए प्रेरित किया और इसके लिए उन्होंने वित्तीय सहायता भी की और कुछ वित्तीय सहायता अबू धाबी के महामहिम खलीफा जी से भी ली और इस तरह से यह इमारत बुर्ज दुबई से बुर्ज खलीफा बन गई। बुर्ज खलीफा पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इसके इंटीरियर पार्ट में 24 कैरेट के गोल्ड का उपयोग किया गया है। दुबई के सबसे प्रिय आकर्षण में बुर्ज खलीफा का नाम सबसे पहले आता है। जब पर्यटक दुबई की इस इमारत को नीचे से देखते हैं तो यह एक विशाल आकार की दिखाई देती है और इसकी चोटी तक नजर पहुंचाते हुए आप गिर भी सकते हैं। जब आप बुर्ज खलीफा बिल्डिंग की ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं तो पूरी दुबई का नजारा देख सकते हैं। यदि आप रात के अंधेरे में इस बिल्डिंग पर जाते हैं तो पूरा दुबई शहर रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाता हुआ दिखाई देता है। क्या आप भी बुर्ज खलीफा और इसके प्रमुख पर्यटन स्थल के बारे में जानना चाहेंगे? बुर्ज खलीफा को अंदर से घूमने के लिए आपको एंट्री फीस देनी होती है। बुर्ज खलीफा घूमने के लिए आप ऑनलाइन और ऑफलाइन भी बुकिंग कर सकते हैं। अगर हम बात करें टिकट की कीमत की तो यह आपके घूमने के समय और कितनी मंजिल तक आप घूमना चाहते हैं उस पर निर्धारित किया जाता है जो लगभग 2000 से लेकर 7500 रुपए के बीच में होता है। इस इमारत में घूमने के लिए आप पूरे वर्ष भर सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक कभी भी जा सकते हैं। तो यह है अनसुने तथ्य दुनिया के सबसे ऊंची मानव निर्मित इमारत के बारे में जो है बुर्ज खलीफा। आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें। अगली बार मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू।